आईजी पंजाब सीटीडी अहलकारों को बचाना चाहते हैं। मकतूल खलील के भाई जलील का इल्जाम, जेआईटी खत्म करने के लिए अदालत से रजू कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर, जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा, जेआईटी से इंसाफ की उम्मीद नहीं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी जेआईटी को तहकीकात से रोकने का हुक्म दे दिया, दरखास्त में मौकफ। पंजाब बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब कर लिया गया। इफ्तिखार शाह चेयरमैन, शाहनवाज इस्माइल बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन मुंतखब। नौ मुंतखब अहदेदारों का कहना है कि वकला के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पंजाब असेंबली के ऐवान में पीपल्स पार्टी के सात अरकान, मगर बड़ी बड़ी डिमांड। पीपल्स पार्टी ने एक कायमा कमेटी की सरबराही, जबकि दो बड़ी कायमा कमेटियों की रुकनियत मांग ली। पीपल्स पार्टी की डिमांड पर ओपोजिशन इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून परेशान। हाईकोर्ट में साबिक डीजी लीगल, रेलवे की बरतरफी के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील। दो रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मुबीन ने समाज से मुआजरत कर ली, अपील चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को वापस भिजवा दी। डॉल्फिन्स कोर्ट की कार्रवाई, सब्जाजार से दो नौमर डकैत गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिम शहरी से मोबाइल छीनकर फरार हो रहे थे, डॉल्फिन टीम ने ताकुब करके दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के नौ मुंतखब एपका अहदेदारों की तकरीब हल्फ बरदारी, वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नौ मुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया, बोले यूनिवर्सिटी के तालीमी मयार और इंतजामी अमूर में बेहतरी लाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे।